kar kuch kadar aur mat kar safar aaya arban ka tu na kar style ki fikr tu aaya arban ka tu na kar style ki fikr tu आराम से भाई क्या कर रहे हो परमेश भाई एक गाना सुनाओ ना कौन है मैं परमेश्वर मनी हूँ भाई एक गाना सुनाओ ना क्या कर रहे हो पीछे हो बेबी क्या हो गया है दाढ़ी चुभती है यार हमेशा तेरी यार अगली बार हटा लूंगा इस बार तो कर ले प्लीज निकल यहाँ से परमेश भाई एक गाना सुनाओ ना अरे भाई किसने खुला छोड़ा इसे मैं परमेश सुनना नहीं हूँ भाई अरे एक गाना सुनाओ अरे एक गाना अबे लगा क्या बहुत गंदा मैं मर जाऊंगा भाई बचा ले मेरे को इधर क्या ही है अबे तेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है क्या लगा है गुजिया इधर 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 तू बैठा दे ना साले लुगाई हूँ तेरी हाँ यार एक बार गाली करनी सुना दो ना यार अरे यार मैं तुझे गाली दे दूँगा भाई यार एक बार कड़वा गरम सूप दाढ़ी देखी है दी मद्रासी पिचराना गुंडा लगता पे है ऐसे करेंगे इंटरव्यू क्लियर आया बड़ा आये चल निकल सकते हैं परमेश वर्मा जितने भी गबरूज बियर्ड लवर हैं या जिनको बियर्ड रखना पसंद है मेरी तरह वो जरूर इन स्ट्रगल्स को रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से एक अच्छी बियर्ड होना हर मर्द का जन्मसिद्ध अधिकार है और उस बियर्ड की प्रॉपर केयर करना उसकी लाज रखना उस बियर्ड का अधिकार है सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस टाइम ऑन बियर्ड केयर टिप्स टू ग्रो अ सेक्सी बियर्ड सो बियर्ड केयर टिप नंबर वन आती है बियर्ड शेपिंग सबसे वाहियात मिस्टेक बियर्ड के मामले में जो मुझे लगती है वो ये है कि हम लोग बियर्ड को मेंटेन करके नहीं चलते हैं उसको शेप बिल्कुल भी नहीं करते हैं और आपकी बियर्ड को मेंटेन करने के लिए उसको शेप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सैलून पे जाओ और वहाँ जाके पैसे स्पेंड करो आप एक अच्छे रेजर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और जब भी बात आती है शेपिंग की या फिर शेविंग की तो हमारे माइंड में एक ही ब्रांड आता है शेविंग का दैट इज़ जिलेट अगर आपके पास एक अच्छा सा जिलेट का रेजर है तो ना सिर्फ आपकी बियर्ड सेक्सी रहने वाली है बल्कि इसकी जो स्विवल टेक्नोलॉजी है वो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा उसकी हेल्प से ये जो रेजर है ये इजीली रोटेट हो जाता है इजीली मूवमेंट देता है आपकी बियर्ड पे और आपको कट्स और ब्लीडिंग से भी बचाता है तो वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर ग्रोथ जो आपका चीक एरिया होता है या फिर जो आपका नेक एरिया होता है यहाँ पे जो अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होती है इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेयर हमारी फेस की पूरी ग्रेस को ही ख़राब कर देते हैं सो आप हमेशा नीट क्लीन एंड डैपर दिख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा रेजर है लाइक जिलेट और अगर आप अपनी बियर्ड को मेंटेन करके नहीं चलते हो शेप करके नहीं चलते हो तो ऐसे में हमारी शक्ल कुछ वैसी दिखाई देने लग जाती है जब हिंदी ड्रामा पिक्चरों में हीरो बदला लेने वाला होता है सो अगर आप लोग वर्क या फिर कॉरपोरेट बैकग्राउंड से है तो शॉर्ट एंड स्टबल बियर्ड आपको रखनी चाहिए जो डिसेंट और फॉर्मल लगती है और अगर आप हैवी बियर्ड भी रखते हो तो उसको भी शेप करना ग्रूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टिप नंबर 2 इज़ टू कीप योर बियर्ड हाइड्रेटेड क्या आप लोग जानते हो कि डैंड्रफ कंट्रोल वॉश करना शैम्पू करना ये सब हमारे हेयर के साथ साथ हमारी बियर्ड की भी रिक्वायरमेंट है अगर नहीं जानते तो आज ही से अपनी बियर्ड को हाइड्रेट करना चालू कर दो उसको क्लीन रखो उसको साफ रखो ताकि उसमें से इचिनेस डैंड्रफ और ड्राइनेस सब क्लियर आउट हो जाए तो मेक श्योर कि आप जब जब फेस वॉश कर रहे हो आपकी बियर्ड भी उस टाइम पे वॉश होनी चाहिए पानी हमारी बियर्ड के अंदर तक जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए अच्छे से क्लीन हो जाए या फिर आप बियर्ड वॉश भी यूज़ कर सकते हो या बियर्ड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो उससे भी हमारी जो बियर्ड है वो क्लीन हो जाएगी उसमें से ड्राइनेस रिलीज आउट हो जाएगी और वो हाइड्रेटेड भी रहेगी सो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप कोई भी बियर्ड वॉश खरीद सकते हो जैसा आपका बजट है लेकिन मेक श्योर कि उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट ज़रूर हो जैसा कि अर्बन गबरू आपको हर बार कहता है सो आप बियर्ड वॉश को ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हो अपनी बियर्ड को साफ रखने के लिए हाइड्रेटेड रखने के लिए और आपकी बंदी को रूखी सूखी दाढ़ी ना चुभे इसके लिए टिप नंबर 3 इज टू यूज अ बियर्ड ऑयल हेयर ऑयल्स हमारे हेयर के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हम सब जानते हैं लेकिन बियर्ड का क्या भाई बियर्ड के लिए कोई चीज़ नहीं है क्या बियर्ड ऑयल हमें क्या नहीं यूज़ करना चाहिए ऑफकोर्स करना चाहिए भाई टू प्रोवाइड योर बियर्ड अ प्रॉपर नरिशमेंट उसको शाइन प्रोवाइड करने के लिए उसकी ग्रोथ को हेल्दी करने के लिए हमें बियर्ड ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए
तो यही मान लो भाई कि बियर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बियर्ड की स्ट्रेंथ के लिए बियर्ड ऑयल ही है। जिस तरीके से हेयर ऑयल हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट बियर्ड ऑयल भी है। और अगर आप चाहो तो बियर्ड ऑयल को रोज़ भी लगा सकते हो, तरीके से उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू अप्लाई अ बियर्ड ऑयल, या फिर आप 3 से 4 बार इन अ वीक भी लगा सकते हो। टिप नंबर 4 एंड द लास्ट टिप ऑफ द वीडियो इज टू यूज अ बियर्ड कॉम्ब। अगर आपकी बियर्ड में फ्रिज है, वो सॉफ्ट नहीं है, उसमें टैंगल्स हैं, या फिर वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, तो आपको बियर्ड कॉम्ब यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक अच्छी सी बियर्ड कॉम्ब यूज कर रहे हो तो आपकी बियर्ड से टैंगल्स भी निकल जाएंगे, फ्रिज भी निकल जाएंगे, और वो सेट दिखाई देगी, मेंटेन दिखाई देगी। और अगर आप बियर्ड ऑयल यूज करते हो तो वो ढंग से आपकी बियर्ड में अब्सॉर्ब हो जाए, उसके लिए भी बियर्ड कॉम्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही मान लो कि बियर्ड ऑयल उतना ही जरूरी है जितना हेयर ऑयल है, और बियर्ड कॉम्ब उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी हेयर कॉम्ब है। और अगर आपको लंबी लंबी दाढ़ी रखना पसंद है तो भी बियर्ड कॉम्ब आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपका कभी कभी मन करेगा कि यार स्ट्रेट इफेक्ट देते हैं दाढ़ी को, ब्लो ड्राई करते हैं दाढ़ी को, तो उस टाइम पे भी बियर्ड कॉम्ब आपकी हेल्प करेगी ताकि आपकी दाढ़ी स्ट्रेट और मेंटेन दिखे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको सारी टिप्स पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इससे पहले कि आप पूछो कि भाई इस जैकेट का लिंक दे दो, तो मैं बताना चाहता हूँ भाइयों कि मैंने ऑफलाइन ली थी गुड़गांव में एक मॉल से, मॉल का एड्रेस मैं डाल दूंगा, आपको पसंद है तो वहां से ले सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको बता दो उनकी बियर्ड के लिए परफेक्ट टिप्स क्या है। हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे दोनों चैनल्स को, बेल आइकन दबा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गबरूज, पी या गबरू, अर्बन गबरू आउट। समझा गया।